डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी फॉर व्हील्स एंड माय नेम इज अनिकेत। और आज हम देखने वाले हैं Hyundai की न्यू i20। सो ये रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है फेसलिफ्टेड मॉडल i20 का, उसका हम एक वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, गाड़ी का इंटीरियर लुक कैसा है, गाड़ी का ओवरऑल एक्सटीरियर लुक कैसा है, डिजाइन एलिमेंट्स क्या क्या चेंज हुए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पर्टिकुलर हम एस्ट्रा वेरियंट भी देखेंगे जिसमें आपको क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। लगभग टॉप मॉडल है, उसके ऊपर एक और एस्ट्रा ऑप्शनल मॉडल आ जाता है, उसमें भी आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। गाड़ी का प्राइस भी बता दूंगा, तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो डाइव इनटू द वीडियो। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमारे सामने है Hyundai की न्यू i20 फायरी रेड कलर में। ये रही इसकी की, लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। सो दो कीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और फ्रंट लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके इंजन ऑप्शंस के बारे में। तीन इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि 83 पीएस ऑफ पावर मैनुअल ट्रांसमिशन में जनरेट करता है और 88 पीएस पावर आईवीटी में जनरेट करता है। 114.7 एनएम का टॉर्क भी देता है। देन 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है जो कि 120 पीएस ऑफ पावर जनरेट करता है एंड 171.61 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। एंड 1.5 लीटर डीजल इंजन जो है वो 100 पीएस की पावर जनरेट करता है एंड 240 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। सो इंजन ऑप्शन आपको काफ़ी इसमें बढ़िया मिल जाते हैं, साथ ही साथ ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, सीवीटी, देन आईएमटी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ड्यूअल क्लच ट्रांसमिशन भी आपको इसमें मिल जाता है। सो काफ़ी अच्छे फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जा रहे हैं। देन अभी हम देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या अपडेट्स आएंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडलैम्प काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन किए गए हैं, कॉर्नरिंग फीचर के साथ मिलते हैं आपको। प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद कॉर्निंग लैम्प जो है वो आपको मिल जाता है इसमें। देन इसका जो फ्रंट का जो ग्रिल है वो पूरी तरह से चेंज होकर अपडेट हो चुका है, काफ़ी स्ट्राइकिंग डिज़ाइन मिलता है आपको। बीच में Hyundai का लोगो दिया गया है और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एयर जो डैम्प है वो यहाँ पे दिया गया है। देन आपको प्रोजेक्टर के फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, तो वो भी एक दिखने में अच्छा फीचर मिलता है। ग्लॉसी बैक ब्लैक फिनिश जो है वो आपको यहाँ पे दी गई है। देन जो मिरर्स है, मिरर्स के ऊपर भी आपको इंडिकेटर का स्ट्रिप देखने को मिलेगा, सो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से दिया गया है। आप यहाँ पे वाइपर्स देख सकते हैं, ड्यूअल वाइपर्स है और ये रहा इसका विंडशील्ड। देन नीचे तरफ देखेंगे तो आपको एलॉय व्हील का डिज़ाइन देखने को मिलेगा। देन 195/55 R16 इसका सेक्शन है, तो 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। देन आप सस्पेंशन देख सकते हो, मैकपर्सन स्ट्रट का सस्पेंशन आपको मिल जाता है। गैस टाइप शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं इसमें, डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं इसमें और ये भी क्लैडिंग मिलता है ग्लॉसी ब्लैक कलर में। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो लगभग 165 mm का है और सिटी कंडीशंस के लिए और डे टू डे लाइफ के लिए सफिशिएंट ग्राउंड क्लियरेंस है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। देन ये पर्टिकुलर मॉडल एस्टा मॉडल जो है उसमें आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, क्रोम की स्ट्रिप मिलेगी विंडो के ऊपर, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। देन इसमें आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है जो कि आपको गाड़ी को स्पोर्टी लुक दे देता है और ये एज एंटीना भी काम कर देता है, सो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है ये एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एंटीना। देन एक पीछे से आप लुक देख सकते हो इसका, तो इसका जो बूट है, बूट स्पेस वो लगभग 311 लीटर का बूट स्पेस है, सो काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ का बूट स्पेस आपको इसमें मिल जाता है, नथिंग टू वरी अबाउट इट। और फिलहाल इसका बूट ओपन नहीं हो रहा है बिकॉज इसका जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुका है गाड़ी का, तो फिर भी मैं आपको इंटीरियर तो दिखाई दूंगा। सो टेल लैम्प का डिज़ाइन आप देख सकते हो यहाँ पे, सो बीच में एक हैलोजन का बल्ब दिखेगा, बाकी जो ब्रेक लाइट रहेगी वो LED की रहेंगी और क्रोम का स्ट्रिप का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे से किया गया है वहाँ पे। देन नीचे भी आप एक ब्लैक कलर का क्लैडिंग देख सकते हो, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिलेगा आपको नीचे जो कि ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर का भी काम करेगा। नीचे आप देख सकते हो एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पे दिया गया है और आपको ग्राउंड क्लियरेंस का भी एक आइडिया लग जाएगा इससे, सो काफ़ी स्ट्राइकिंग डिज़ाइन मिलता है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूल ओपनर जो है वो खाली पुश ऑप्शन के साथ मिलता है, जब गाड़ी अनलॉक होगी तो आप डायरेक्टली इसको पुश करके ओपन कर सकते हो, नो नीड टू पुल द लीवर फ्रॉम इनसाइड द कार। सो अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर इंटीरियर्स देखेंगे। सो यहाँ पे कीलेस एंट्री ऑप्शन मिल जाता है आपको,
सो जैसे ही गाड़ी आप ओपन करोगे, सो फ्रंट का जो ड्राइवर साइड डोर है उसको आप देख सकते हो, एक पूरा लुक देख सकते हो इसमें। सो ऑल फोर पावर विंडोज मिलते हैं आपको। देन जो ओआरवीएम्स है वो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल है। सो फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, बट यहाँ पे थोड़ा लेदर हो जाता तो फिनिश होती तो अच्छा लगता। बोस के प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं आपको, एस्टा मॉडल में 6 स्पीकर्स और टॉप मॉडल में 7 स्पीकर का सिस्टम मिल जाता है आपको। टॉप मॉडल इज एस्टा ऑप्शनल, जिसमें कि आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे, वेयर एज एस्टा मॉडल में आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलेंगे और उससे नीचे वाले मॉडल्स में भी आपको खाली 2 एयरबैग्स मिलेंगे। सो सीट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, सीट का जो मटेरियल है कुशन है वो काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, बैठने में आपको कोई भी झिझक नहीं महसूस होगी। और सीट आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हो, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे सीट को ले सकते हो। तो यहाँ पे अभी जो बाकी गाड़ियों में लीवर होता है नीचे वो यहाँ पे नहीं दिखने को मिलेगा। देन ये आपके पैडल्स आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे डेड पैडल है एक, देन क्लच है, ब्रेक है, एक्सेलेटर है और स्पेशियस है ये भी। देन यहाँ पे आप बॉनेट ओपनर देख सकते हो, देन हेडलैम्प लेवलर वगैरह के स्विचेस एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है आपको यहाँ पे, देन एसी वेंट्स है यहाँ पे। सो चलिए अभी अंदर देख बैठ के देखते हैं। सो अंदर बैठने के बाद आपको बढ़िया चीज़ जो लगेगी इसका स्टेयरिंग व्हील, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देन आपको पूरा डिजिटल क्लस्टर मिलता है यहाँ पे। देन स्टेयरिंग पे आपको काफ़ी ऑडियो कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं। देन यहाँ से आप मेन्यू नेविगेट कर सकते हैं डिस्प्ले के। सो यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स है लेफ्ट हैंड साइड पे। सो ये जो स्टेयरिंग है इसको आप ये लीवर से एडजस्ट कर सकते हो। सो ये स्टेयरिंग में टिल्ट एडजस्टमेंट होता है, जैसे कि आप स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कर सकते हो, और साथ ही साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिलता है, जैसे कि आप स्टेयरिंग को अपने पास खींच सकते हो, सो दैट आप एक बेहतर ड्राइविंग पोजिशन ले सकोगे इसके साथ। सो ये काफ़ी कंफर्टेबल फीचर है। देन इसका जो टच स्क्रीन डिस्प्ले आप यहाँ पे देख रहे हो, 10.25 सेंटीमीटर का लगभग डिस्प्ले है। सो काफ़ी बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रहा है, आई गेस ये फर्स्ट इन सेगमेंट रहेगा। देन एसी वेंट्स, आप यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स देख सकते हो, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको इसमें, रियर और फ्रंट डिफॉगर भी मिल जाते हैं। देन नीचे आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलते हैं 2, और एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है, और उसके नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है विद कूलिंग। सो अगर आपको फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है तो यू कैन डायरेक्टली चार्ज इट विदाउट एनी वायर्स। देन आपको यहाँ पे हैंड ब्रेक मिलता है, देन 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे, और टॉप मॉडल में इसमें एक एयर प्यूरीफायर भी आ जाएगा। और यहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट के नीचे एक स्टोरेज स्पेस मिलता है, और ये जो आर्मरेस्ट है वो भी एक एडजस्टेबल आर्मरेस्ट है। सो दिस इज़ अगेन गुड थिंग। देन आप यहाँ पे एक देख सकते हो लाइंस वगैरह एयर वेंट्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, डिसेंट साइज का ग्लव बॉक्स है। और यहाँ पे आईआरवीएम आप देख सकते हो, ऑटो डिमिंग ये मॉडल में अवेलेबल नहीं है, टॉप मॉडल में शायद होगा। ब्लूलिंक कनेक्टेड है कार। देन यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलता है आपको, और ये जो केबिन लैंप्स है, 2 केबिन लैंप्स मिलते हैं आपको फ्रंट में। यहाँ पे पैसेंजर साइड मिरर आपको मिल जाता है, और ड्राइवर साइड में एक टोल रिसीट होल्डर मिल जाता है आपको। देन सनरूफ जो है वो टॉप मॉडल में मिलेगा, एस्टा ऑप्शनल में, ये वाले मॉडल में नहीं है। यहाँ पे पीछे भी एक कैबिन लैंप मिल जाता है। सो ओवरऑल अभी पीछे का एक लुक देख सकते हैं। सो रियर डोर कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। सो ओवरऑल ये गाड़ी पुरानी गाड़ी से काफ़ी बड़ा मेजर अपडेट है। इसमें भी आपको स्पीकर पीछे के डोर में भी मिल रहा है, और चारों के चारों डोर में आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं, जिसमें कि आप लगभग 1 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हो। सो दैट इज़ इवन प्रैक्टिकल। पीछे के भी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है बैठने के लिए, बट जो हेडरेस्ट है वो एस्टा मॉडल में एडजस्टेबल नहीं दिया गया है, उसके लिए आपको टॉप मॉडल ही लेना पड़ेगा। खाली टॉप मॉडल के हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, फ्रंट सीट के हेडरेस्ट आपको इसमें एडजस्टेबल मिल रहे हैं। सो पीछे आगे का सीट मैंने पूरी तरह से पीछे ले लिया है, और फिर भी मुझे लेग रूम और जो नी रूम है वो सफिशियंट मिल रहा है। अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक है इसमें, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। देन अच्छी बात यह है कि इसमें रियर में एसी वेंट्स मिल रहे हैं अभी भी। सो इंडियन क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से रियर एसी वेंट्स नेसेसरी है। चार्जिंग पॉइंट भी आपको मिल रहा है रियर पैसेंजर्स के लिए। सो यूएसबी केबल आप चार्जिंग कर सकते हो उससे।
देन पीछे एम्पल स्पेस मिल रहा है आपको, टॉप मॉडल में आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल रहा है और पीछे से एक ओवरऑल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। सो डैशबोर्ड काफ़ी नीट और क्लीन है, दिखने में प्रीमियम भी दिखता है, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अलग होता तो और बेहतर दिखता, बट ये पर्सनल चॉइस है रखा। कुछ कुछ लोगों को टोटल ब्लैक अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बेज इंटीरियर अच्छा लगता है। सो यहाँ पे पैसेंजर सीट के नीचे आपको एक पॉकेट मिलेगा। देन ओवरऑल इसके जो प्रीमियम फीचर्स है, ओवरऑल जो फीचर्स मिलेंगे आपको वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ओवरऑल इसका केबिन ब्लू एम्बिएंट लाइट के साथ आता है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो सनरूफ जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलेगा। देन इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, बेस्ट इन सेगमेंट दिखाया है उन्होंने। देन बेस्ट इन सेगमेंट बोस के स्पीकर्स मिलते हैं आपको। देन एयर प्योरीफायर मिलता है फर्स्ट इन सेगमेंट जो कि टॉप मॉडल में मिलेगा एस्ट्रा ऑप्शनल में। देन ये है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, स्पीडोमीटर वगैरह सब डिजिटल मिल रहा है आपको। ये इसका फ्रेम। देन इसमें स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी दिया हुआ है इन्होंने, व्हीकल स्टेबिलिटी। सो गाड़ी काफ़ी हाईटेक बनाई ही है उन्होंने, बट गाड़ी का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे। बट ये जो एस्टा मॉडल है सेकंड टॉप मॉडल, इसका एक शोरूम प्राइस 8,69,900 रुपीज़ है और ऑन रोड प्राइस इसका लगभग 10,44,920 रुपीज़ है। सो प्राइस इसका वेरी होता रहेगा। देन आप यहाँ पे एक डिटेल लुक देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे स्पीडोमीटर, राइट हैंड साइड पे टैकोमीटर मिल रहा है आपको और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको इसमें मिल जाता है टॉप मॉडल में। सो ओवरऑल आप डिसाइड कर सकते हैं आपको गाड़ी कैसे लेगी। मैंने लगभग जितना इन्फॉर्मेशन शेयर करना था मैंने कर दिया है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो गए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और आप ज़रूर बताइए गाड़ी आपको कैसे लेगी। और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे रख के आप SUV भी ले सकते हो। सो इट्स अप टू यू। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।